हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम लोग पढ़ रहे थे जो आपका हिसाब का अध्याय 2 है, इसमें जो प्राणियों में पोषक होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और इसमें हमने देखा था कि कोई भी भोजन जो हम लोग करते हैं वो आहार नाल द्वारा ग्रसनी से होकर के फिर अंत में गुदा तक संपन्न होता है। इसमें जो अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिन्हें हमारे शरीर की कोई आवश्यकता नहीं होती है, वह पदार्थ आहार नली से विभिन्न पाचन क्रियाओं द्वारा होते हुए गुदा से जाकर के क्या होते हैं, शरीर से निष्कासित हो जाते हैं। तो पूरा जो सिस्टम है, इस तरह से आप कर सकते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं या पाचन तंत्र आप कह सकते हैं। बात समझिए, तो पिछले वीडियो में अगर हम देखें तो हमने एक डिस्कस किया था, उसमें जो ग्रसनली है और अग्नाशय है इसके बारे में डिस्कस किया था। यहां पर भी हम कुछ टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है जो आपका क्षुद्रांत है, ठीक है, क्या क्षुद्रांत ये है क्या, यानी आपकी जो छोटी आंत आप कह सकते हैं, तो अगर आप इसको देखें तो ये जो होता है ये गहरे लाल भूरे रंग का होता है और यह 7.5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है, ठीक है, गहरे लाल भूरे रंग का होगा और 7.5 मीटर क्या होगा, ये लंबा होता है, ठीक है। जो यकृत और अग्नाशय है इससे जो पाचक रस होते हैं ये क्या होते हैं, श्रावित होते हैं, जो क्षुद्रांत में जाकर के मिलते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर आपसे पूछे कि कोई छोटी आंत के बारे में आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि एक गहरे लाल भूरे रंग का क्या होता है, 7.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं अब यकृत की, तो अगर आप यकृत की बात करें तो आप देखेंगे यहां पर यकृत में अगर, तो यह भी गहरे लाल भूरे रंग की ही क्या होती है, ग्रंथि होती है। और ये जो स्थित होता है कहां होता है, जो हमारा उदर है यानी जो हमारा पेट है उसके दाएं तरफ यानी उसके ऊपरी भाग की कहां होता है, दाएं तरफ होता है। जो हमारा पेट है इसके ऊपरी भाग के, ठीक है, यहां पर दाएं तरफ क्या होता है, स्थित होता है, ठीक है। जो यकृत होता है क्या होता है, सबसे बड़ी ग्रंथ होती है, जो शरीर की क्या होती है सबसे बड़ी ग्रंथ अगर है तो वह क्या है, यकृत है। और यह जो होता है यह पित्तरस का, जो पित्तरस होता है, ठीक है, यह यकृत जो होता है यह पित्तरस का क्या करता है, स्राव करता है। और जो ये पित्तरस होता है एक थैली नुमा आकृति में जाकर के एकत्रित होता है, जहां जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। याद रखिएगा, यकृत जो होता है वो पित्तरस का क्या करता है, स्राव करता है, ठीक है। यकृत किसका स्राव करता है, पित्तरस का स्राव करता है। और जो पित्तरस एकत्रित होता है कहां होता है, पित्ताशय में जाकर के एकत्रित होता है। ये जो पित्तरस होता है ये भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायता करता है। और भोजन में स्पेशली वसा की पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो अगर आप यकृत के बारे में आपको पता करना, तो यकृत में क्या है कि जो यकृत होता है यह गहरे लाल भूरे रंग का होता है, ठीक है। और यकृत जो होता है गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि होती है और ये सभी की क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथ होती है। थोड़ा यहां पर मिस्टेक हो गया है, आप इसको
के बारे में था, ठीक है, तो आप इसको मत लिखिएगा, ठीक है, जो शूद्रांत है आप इसको लिखिएगा। शूद्रांत जो होता है 7.5 मीटर क्या होता है, एक लंबा होता है, ठीक है, ठीक है। तो आप इतनी बात समझ गए, ये 7.5 मीटर क्या होता है, लंबा होता है। फिर अगर आप यहां पर जो होता है शूद्रांत, ठीक है, ये यकृत एवं अग्नाशय से क्या होते हैं, जो रस क्या होते हैं, एक पाचक रस क्या होते हैं, स्रावित होते हैं और एक शूद्रांत में जाकर के मिलते हैं। अच्छा, अगर आप देखें यहां पर यकृत के बारे में, तो हमने बताया क्या कि यह गहरे लाल भूरे रंग का होता है, भूरे की क्या होती है, ग्रंथि होती है। यहां पर अगर आप देखें तो एक स्थित कहां होता है, तो स्थित होता है उदर के ऊपरी भाग के दाएं तरफ क्या होता है, स्थित होता है। अच्छा, ये अगर आपसे कोई पूछ रहे कि ये किस रस का स्राव करता है, तो ए पित्तरस का स्राव करता है। अच्छा, पित्तरस एकत्रित कहां होता है, तो पित्तरस एक थैली नुमा आकृति में क्या होता है एकत्रित, जिसे हम क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं। अच्छा, पित्तरस का काम क्या है, तो पित्तरस जो होता है वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। तो पित्तरस क्या होता है, वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता करता है, ठीक है। इतनी बात आप इसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अगर आप देखें अग्नाशय की, तो अगर अग्नाशय की अगर हम बात करें, तो यह हल्के पीले रंग की क्या है, बड़ी ग्रंथि होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है वो क्या होती है, एकृत होता है, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, एकृत किस रंग का, किस रस का स्राव करती है, तो पित्त रस का स्राव करती है। तो अग्नाशय जो होता है ये क्या होता है, हल्के पीले रंग की क्या होती है, एक बड़ी ग्रंथि होती है, और ये ग्रंथि होती है ये अमाशय के ठीक क्या होती है, नीचे होती है, ठीक है। ये क्या होती है, अमाशय के ठीक क्या होती है, नीचे होती है, और ये जो है एक अग्नाशयिक जो रस होता है, ठीक है, उसका क्या करती है, स्राव करती है। यानी जो अग्नाशय है वो भी एक रस का क्या करता है, स्राव करता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अग्नाशयिक रस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जो पचा हुआ जो भोजन होता है ना, जो आंशिक से पचा हुआ भोजन होता है, वो कहा आता है, शूद्रांत में क्या होता है, आता है, ठीक है। अच्छा, इसमें देखिए जो रस होते हैं, जितने भी रस होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है, तो जितने भी रस होते हैं, हमने बताया आपको, पहले बता चुका है कि ये जो रस है ये सिर्फ भोजन के पाचन के में सहायता ही प्रदान करते हैं, ठीक है, ये भोजन के पाचन क्या करते हैं, सहायता करते हैं। जितने भी आपको पता है, हमने बताया यकृत जो होता है वो भी क्या करता है, रस का स्राव करता है, ठीक है, अग्नाशय जो है वो भी क्या करता है, रस का स्राव करता है। तो जो भी जितनी भी रस है ये क्या करते हैं, भोजन के पाचन में क्या करते हैं, सहायता करते हैं। तो भोजन के पाचन किस मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर पाचन पूछे तो समझिए कि जो आपका भोजन होता है ना, वो पहले जटिल खाद्य पदार्थ के रूप में होता था, ठीक है, जटिल खाद्य पदार्थ के रूप में होता था, और जब उसको सरल रूप में बदलने को ही, यानी सरल खाद्य पदार्थ रूप में बदलने को ही क्या कहते हैं, इसको आप बदल देंगे तो विखंडन कहला जाएगा, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े कर देंगे उसको, तो उसको क्या करेंगे, आप विखंडन कह सकते हैं, ठीक है। और इस पूरे जो सिस्टम है, ठीक है, उसको छोटे टुकड़े, अच्छा वैसे तो बदल नहीं सकता ना, और उसको हम तोड़ेंगे थोड़ी हाथ से, उसको वैसे नहीं बदल सकते, उसको बदलने की जो क्रिया होगी, उस पूरे क्रिया में आपको पता है किस तरह से, पहले शुरू में ही क्या होता था, जब आप भोजन मुंह में डालते हैं, ठीक है, तो जैसे ही मुंह में जाता है तो वहां से लार ग्रंथियां क्या होती है, सक्रिय हो जाती है, और लार बनना क्या होता है, स्टार्ट होता है। अभी लार क्या काम करते थे, लार जो है भोजन को मुलायम बनाते थे, यानी इसको भोजन को मिलाने में और मिला करके निगलने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। अच्छा, एक बात समझिएगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अगर मतलब आपका जो लार है ना वो नहीं बनता है, तो उसमें हमको कठिनाई क्या होती है कि हम भोजन को आसानी से निगल नहीं पाते हैं और आपको खाने की इच्छा नहीं करती है, ठीक है। तो इसलिए लार जो ग्रंथियां अगर वो सक्रिय नहीं है तो हमें भोजन करने में क्या होंगी, तकलीफें होंगी, ठीक है। और जो भोजन है आप कह सकते हैं कि अच्छे से पच ही नहीं पाएगा, क्योंकि ये पचाने का जब काम है, ये जो जितने भी रस हमारे शरीर से स्रावित होते हैं यही तो करते हैं ना, और कोई थोड़ी करता है। देखिए, जो अमाशय से जो पीले रंग का जो रस क्या होता है, स्राव करता है, ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी चीजें हैं, प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं, हम
अलग अलग जो करने की जो सिस्टम है, जो तरीका है, जो क्रिया है, उसी को आप कर सकते हैं कि पाचन कर सकते हैं, ठीक है। और ये सारे जो सिस्टम है इन, अब यहाँ से जो आपको पता है ये क्षुद्रांग से भी कहा जाएगा, क्षुद्रांग से भी जो है ये कहा जाएगा बड़ी आंत में, छोटी आंत से कहा जाएगा बड़ी आंत में जाएगा, और फिर बड़ी आंत से ये क्या बोलते हैं कि फिर वहां से होते हुए अग्नाशय से फिर कहां से निकल जाता है, फिर ये निकल जाता है गुदे में चला जाता है, ठीक है। और जो गुदा होता है, ठीक है, ये गुदा क्या काम करता है, जो भी हमारे अधिक अपशिष्ट पदार्थ होते हैं ना, वो उसको क्या करता है, बाहर कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, आप इसको अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आप मतलब कैसे कितना प्रोसेस है इस पूरे पाचन तंत्र में। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो आपको ये दिख रहा है ना यकृत के बारे में, ठीक है, यकृत के बारे में आपको जानना जरूरी होगा, ठीक है। और देखिए चीजें हैं कभी भी मतलब ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जो आगे आपके काम आएंगे, ठीक है, इस चीजें यहाँ पर सीख लेंगे आप। तो क्या यकृत के बारे में आपको क्या क्या जानना है, ये गहरी लाल ग्रंथि की क्या होती है, ग्रंथ होती है, ठीक है, और ये उदर के ऊपरी भाग के दाएं ग्रंथि होती है, और ये पित्त रस का क्या करती है, स्राव करती है, और पित्त रस जो होता है वो जो होता है कहां, एक थैलीनुमा आकृति में क्या होता है, एकत्रित होता है, जिसे आप क्या बोलते हैं, पित्ताशय बोलते हैं, ठीक है। और पित्ताशय जो होता है ये क्या करता है, वसा के पाचन में क्या करता है, आपको सहायता करता है, मुख्यतः वसा के पाचन में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। तो ये सारी चीजें थी, आई होप आप इस तरह को समझ गए होंगे, ठीक है। और अब मतलब ऐसे टॉपिक अब खत्म ही होने वाला है, ठीक है। तो मतलब जो भी चीजें हैं एक बार फिर से अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छी तरह समझ जाएगा, हमें आशा है कि आपको 100% अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। और एक चीज और समझिए, ठीक है, जो ये आप मतलब समय चल रहा है ना पढ़ने का, ठीक है, जैसे समझिए आपको पढ़ना, आपको पता है पढ़ना तो होगा ही आपको, ठीक है, क्योंकि जो आज पढ़ लिया ना वो फिर उसकी आगे की जो जीवन होती है, ठीक है, आगे की जो लाइफ होता है बहुत ही क्या होता है, आसान हो जाता है। कहने का मतलब आप देखिए, देखिए जीवन में सबसे बड़ी चीज जो है ना वो क्या है, पढ़ाई है सबसे, अगर आपका जो पहला जो लक्ष्य होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, पढ़ाई होना चाहिए। देखिए पढ़ाई ही एक ऐसा चीज है, ठीक है, जो आपको जमीन से आसमान तक उठा सकता है, ठीक है। आपको बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलते होंगे, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें भीमराव अम्बेडकर जी को आप देख लीजिए, एपीजे अब्दुल कलाम को देख लीजिए, तो ये जो लोग थे ना बहुत ही गरीब घर के लोग थे, ठीक है, इनके पास पढ़ने की भी आप कहें तो इस तरह से पैसे भी नहीं थे, समझ रहे हैं, लेकिन इनका जो ये हौसला है, ठीक है, बस समझे एक चीज है बस इनके अंदर कि ये जो पढ़ाई करने की जो इच्छा थी ना यही इन लोगों को आज तक इस मुकाम पर ले गई है जहां हम इन लोगों को क्या करते हैं आज इन लोगों के इनके सिर्फ कार्य के कारण क्या होते हैं याद करते हैं, ठीक है। तो लाइफ में कोई भी हर इंसान को लाइफ में क्या होते हैं कि कुछ ऐसे काम कर जाने चाहिए, ठीक है, ताकि जो आने वाली पीढ़ी है, ठीक है, वो उस इंसान के बारे में जानने की कोशिश मतलब जानना चाहे उसकी इच्छा हो जानने के लिए उसने आखिर ये कौन थे और इन्होंने कैसे किया, ठीक है। तो जितने भी लोग होते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग आज पढ़ते हैं, आज बहुत आपको पता है कि ऐसे बहुत सारे व्यक्तित्व हुए हैं, ऐसे बहुत सारे क्रांतिकारी हुए हैं, ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्हें हम लोग आज क्या करते हैं पढ़ते हैं, उनके जीवन को देखते हैं, उन्होंने जीवन में क्या कैसे कैसे कितना संघर्ष किया। देखिए कोई भी बिना संघर्ष के आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है, सबके लाइफ में संघर्ष है, और बिना संघर्ष के अगर कोई चीज कोई पा गया ना तो उसकी मतलब कह सकते ना उसकी कोई मजा ही नहीं है, ठीक है, अगर बिना संघर्ष के कोई चीज आपको आसानी से मिल जाता है, ठीक है, संघर्ष से कोई चीज पाने में अलग ही क्या होता है, मजा होता है, ठीक है। तो पढ़ाई देखिए हमने कहा सारा आपका पूरा मतलब जो ध्येय होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ पढ़ाई होना चाहिए, पढ़ाई के अलावा और कुछ हमें नहीं लगता कि अभी आपको करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी आपको कोई भी किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है, ना ही आपको ये कहना है मतलब घर में क्या किस चीज की कमी है ये देखना है, कौन क्या पहन रहा है ये देखना है, कौन कितना मतलब कि घर की आपकी अभी कोई आपके ऊपर कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं है कि आप उससे विचलित हो जाएं, ठीक है। तो अभी यही समय है पढ़ने का, ठीक है, अगर यहां से अगर आप मतलब देखिए
बच्चे बहुत कई तरह के होते हैं, ठीक है। कुछ लोग आप अपने आसपास ही देखते होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जो सिर्फ मतलब जिन्हें पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन आज वो तो मौज कर रहे हैं, ठीक है। आज समझिएगा, जो आज मौज कर लिया ना वो बाद में पछताएगा, और जो आज मतलब मेहनत कर लिया ना वो बाद में मौज उड़ाएगा। यही एक जीवन की क्या है, सच्चाई है, ठीक है। अगर आप आज मौज कर रहे हैं, ऐसा आप किसी भी एक इंसान को बताइए कि आज ये मौज कर रहा होगा, और मतलब बहुत सारे एग्जांपल होंगे, किसी से पूछिएगा कि अगर कोई ऐसा इंसान है जो आज मौज कर रहा है और फिर बाद में जाकर उसको मौज ही मिले, नहीं मिलेगा। क्योंकि बाद में वही होता है, जो आज ध्यान नहीं देते ना ऐसी चीजों पर पढ़ाई के बारे में, तो बाद में वही जो चीजें लोग होते हैं वही जाकर के दिल्ली बंबई जाकर के कमाते हैं, ठीक है। एक एक पैसे के लिए कड़ी कड़ी मेहनत करना पड़ता है। तो आज जो टाइम है पढ़ाई से, देखिए समझिएगा, अगर हम नहीं कह रहे कि पढ़ाई करने से अगर आपको नौकरी ही मिल जाती है, ठीक है, लेकिन पढ़ाई करने से बहुत चीजें हमको क्या होती है, मिल जाती है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई कहीं भी किसी का मतलब वेस्ट नहीं होता है, ठीक है। पढ़ाई हमेशा अपना असर छोड़ देता है। अब हमेशा अगर देखिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो शिक्षा क्या है, एक वह श्रेणी का दूध है, जो इसे जितना पिएगा उतना क्या करेगा, दहाड़ेगा, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि आप यही एक आपके पास हथियार है पढ़ाई, ठीक है, जिससे आप आगे बढ़ सकते हैं, जिससे आप चार लोगों से बात कर सकते हैं। अगर आप कुछ जानते ही नहीं है तो किसी के साथ बोल कैसे कर सकते हैं। अगर कोई मतलब आप समझिए, अगर आपसे किसी चीज का अगर चुनाव के बारे में पूछा जाए आपसे, ठीक है, कोई चुनाव हो रहा है, ठीक है, वहां बहुत सारे लोग बहुत तरह से बात करेंगे कि ये ऐसा प्रत्याशी है, इसको वोट करना चाहिए, तो क्या आपको पता है कि चुनाव में किस तरह के प्रत्याशी को आपको वोट करना है, किस तरह से, तो एक सब कैसे संभव होगा, कैसे आप जानेंगे कौन हमारे लिए अच्छा है कौन हमारे लिए बुरा है। तो इसके लिए आपको सबसे जरूरी है पढ़ाई करना, ठीक है। तो बहुत हो गया, ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। जय हिंद।